हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम एक एनसीईआरटी की नई सीरीज लेके आ रहे हैं साइंस की, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि काफ़ी यूजफुल रहेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये अवेलेबल हैं। फ्री ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे इन ग्रुप्स का लाभ उठा सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 6 से चलेंगे। क्लास 6 में पहला चैप्टर है भोजन और दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। पहला चैप्टर है फूड और दूसरा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी बेसिक से हैं, लेकिन कभी कभी बेसिक चीज़ों से भी बहुत बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती हैं, और बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो बेस तैयार करती हैं। बेसिक चीज़ों से ही हम एडवांस फॉर्म की तरफ जाते हैं, तो बेसिक चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम एनसीईआरटी क्लास 6 से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु के अकॉर्डिंग विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है वहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं, और जो भोजन में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, और अल्टीमेटली जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है भोजन को लेके। देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है अलग अलग क्षेत्रों में। नॉर्थ इंडिया में अलग प्रकार का भोजन है, साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भोजन को लेके, और भोजन के लिए जो है हमारी डिपेंडेंसी पौधों पर और जानवर पर रहती है, बट अल्टीमेटली पौधों पर ही रहती है। जो जानवर होते हैं वो भी पौधों पर ही निर्भर होते हैं, तो अल्टीमेटली जो डिपेंडेंसी है वो हमारी जो है पौधों पर ही रहती है भोजन के लिए। जो जंतु हैं समस्त, उनको भोजन की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो अपना जो भोजन है उसके लिए पौधों पे और पौधों के उत्पाद पे डिपेंड रहते हैं। तो इसके लिए आप जो कैटल हो गए, सारे एग्जाम्पल कैटल जो होते हैं मोस्टली वो हर्बीवोर्स होते हैं। हाथी, खरगोश एसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो अन्य जंतुओं को खाते हैं, वो एक्चुअली में हर्बीवोर्स को खाते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, और शाकाहारी जो है वो पेड़ों को खाते हैं। तो मांसाहारी भी अल्टीमेटली पेड़ों पे डिपेंड हुए। तो जो मांसाहारी होते हैं वो उनमें अलग प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जैसे उनके पंजे जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि अपने शिकार को कैप्चर कर पाएँ। उनके दांत होते हैं चीरने फाड़ने वाले होते हैं। उनके जो इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी छोटी होती है, हरनाल जो होती है थोड़ी छोटी होती है। तो बहुत अलग प्रकार के उनमें अनुकूलन होते हैं। फिर आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ये अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, कुत्ता, बिल्ली। अच्छा, अब ये बताइए, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, मनुष्य है, वो किस कैटेगरी में आता है इन तीनों में से? शाकाहारी में आता है, मांसाहारी में आता है, या सर्वाहारी में आता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये सेम चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो पौधे हैं उसमें हम विभिन्न विभिन्न प्रकार खाते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग हिस्से जो होते हैं खाने योग्य होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका फल ही हम जो है खाने के लिए उपयोग करते हैं। जो अगर आपको देखा जाए साइंटिफिकली, तो विभिन्न प्रकार के हिस्से जो हैं वो खाए जाते हैं पौधों के। अब देख लीजिए, जैसे जड़ है वो एक प्रकार, वो गाजर है वो एक प्रकार की जड़ है, और जो आलू है वो एक प्रकार का तना होता है, और सेब देख लीजिए, सेब जो है वो फल होता है एक प्रकार का, और सरसों में दो तरह के खाने योग्य पदार्थ भाग होते हैं। ये आपका देख लीजिए बीज है, बीज से जो है हमारा तेल निकाला जाता है, और पत्ती से देख लीजिए जो है सब्जी बनाई जाती है। तो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दो एडिबल पार्ट होते हैं, खाने योग्य जो भाग होते हैं। तो अब हम
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले चैप्टर से। सर्वाहारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी वर्ग में, मांसाहारी वर्ग में, एक एवं दो दोनों के लक्षण होते हैं या इनमें से कोई नहीं? ओमनीवोर्स कम अंडर विच कैटेगरी? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इन विच करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए एंड बी एंड डी नन? तो जो इसका सही आंसर होगा वो आप अभी आंसर कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो जो सही आंसर होगा उसका होगा सी। इनमें जो है दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, शाकाहारी के भी मांसाहारी के भी। और जो हमारा मनुष्य है, जो हम हैं, वो जो है वो सर्वाहारी कैटेगरी में आते हैं। जो ओमनीवोर्स हैं उसमें हम आते हैं। अब एक और क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी इसमें मिसमैच देखना है आपको कौन सा नहीं है। एक तरफ प्लांट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसका खाने वाला भाग लिखा हुआ है। तो अभी देखिए, गाजर खाने वाला भाग जड़। जी हाँ, बिल्कुल सही। अभी अभी हमने डिस्कस किया, गाजर का खाने वाला भाग जो है जड़ होता है। तो ये अभी सेकंड देख लीजिए, आलू, आलू का खाने वाला भाग फल। नहीं नहीं ये गलत है। आलू का खाने वाला भाग जो होता है वो होता है तना, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। और थर्ड जो है अदरक, अदरक का खाने वाला भाग तना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अदरक का जो खाने वाला भाग है तना होता है, वो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड तना होता है, उसको हम राइजोम भी बोलते हैं। तो अदरक का जो खाने वाला भाग है तना है। तो अब इसमें आपको मिसमैच देखना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आलू जो है फल, जो आलू तना होता है, तो सेकेंड वाला गलत होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, ओनली टू। अब हम दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। अभी देख लीजिए, भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अभी प्रकार देख लेते हैं पोषक तत्वों के। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा मतलब फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज मतलब मिनरल्स। तो ये पांच प्रकार के जो हैं पोषक तत्व होते हैं भोजन में, और इनका भोजन में उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है हमारे प्रॉपर विकास के लिए, हमारी प्रॉपर वृद्धि के लिए। तो इसी यही प्राप्त करने के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो जल और आहारी रेशे होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जल एज ए सॉल्वेंट काम करता है और वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है, और शरीर से जो वेस्ट रहते हैं उसको बाहर भी निकालने का काम करता है जल, पसीने की फॉर्म में और मूत्र की फॉर्म में। अभी देख लीजिए, ये एक तरफ पोषक तत्वों के प्रकार हैं और दूसरा वो भोजन है जिनमें ये एक्सेस में पाए जाते हैं, जो जनरल भोजन हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो देख लीजिए, जो आपका वीट होता है, गेहूं होता है और राइस, चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो होती है वो दाल में, मांस में, अंडे की सर्दी हो गई, और दूध में भी पाई जाती है। दूध में एक तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, उसको केसिन बोलते हैं। वसा जो होता है, वसा में सारे प्रकार के तेल हो गए, मक्खन हो गए इसमें, और क्रीम हो गई, इसमें सब में वसा पाया जाता है। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन अलग अलग जो चीज़ों में पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल में दिए गए हम देख लेते हैं। जो विटामिन ए है पपीता, गाजर, आम में। विटामिन बी है गेहूं, चावल, यकृत मतलब लीवर में। विटामिन सी हो गया आंवला, हरी मिर्च, नींबू और अमरूद में। विटामिन डी हो गया दूध, मक्खन, मछली, यकृत, अंडे। तो विटामिन डी जो है वो इन सब में तो पाया जाता है, इसके अलावा बॉडी खुद भी सिंथेसाइज करती है। जब बॉडी पे सनरे पड़ती हैं, हम बाहर जब निकलते हैं तो सनरे पड़ती हैं बॉडी पे, तो हमारी बॉडी के स्किन के नीचे एक प्रकार का केमिकल होता है, उसको एग्रोस्ट्रॉल बोलते हैं। वो विटामिन डी का सिंथेसिस करता है विटामिन डी को। तो अभी अभी काफ़ी जो है शॉर्टेज चल रही है विटामिन डी की, कई क्षेत्रों में देखा गया है। तो किसी स्टेट में एक प्रोग्राम भी चलाया गया है धूप नाम का, उसमें ये किया जाएगा कि जो असेंबली, जो प्रेयर होती है सुबह बच्चों की, वो धूप में कराई जाएगी, जिससे उनको सनरेज का एक्सपोजर मिले और विटामिन डी की जो उनके बॉडी में कमी है वो दूर हो। विटामिन डी जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो कैल्शियम होती है वो विटामिन डी के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती है। अभी हम आगे देखेंगे। चलिए, अब हम ये पता कैसे करें कि दिए गए खाद्य पदार्थ में कौन कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स उपस्थित हैं?
तो इसके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं जो एनसीईआरटी में टेस्ट दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मंड के लिए परीक्षण, मंड एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च इसको बोलते हैं, इसके लिए क्या परीक्षण होता है, बहुत एक परीक्षण फेमस परीक्षण है, तनु आयोडीन बिलियन वाला परीक्षण, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो आयोडीन का तनु मतलब डाइल्यूट पतला बिलियन ले लेते हैं, उसकी दो तीन बूंदें जो हैं वो जो हमारा खाने का सामान है जिसको हमें चेक करना है उसमें डाल देते हैं। अगर एक नीला और काला रंग हमें प्राप्त होता है तो समझ जाइए उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मंड उसमें प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट है मंड का। मंड जो स्टार्च होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट भी कई तरीके की होती है, हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लीजिए कि जो मंड है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसका ये आयोडीन टेस्ट उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। और प्रोटीन के लिए भी टेस्ट होता है, कभी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए आप जो है कॉपर सल्फेट को जो कास्टिक सोडा होता है उसमें मिलाकर के खाद्य सामग्री में डाला जाता है, और अगर बैंगनी रंग आपको प्राप्त हो रहा है तो समझ जाइए उसमें प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन के प्रेजेंस के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और एक टेस्ट और होता है वो जो बसा के लिए कंडक्ट करा जाता है, वो बहुत आसान है, उसको आप अपनी जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए, पेपर में फूड आइटम को रब करिए, और अगर पेपर में एक तरीके का पैच जो है प्रेजेंट आ रहा है तो समझ जाइए उसमें जो है बसा प्रेजेंट है। तो बहुत जनरल टेस्ट है ये। ये सब चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, आप जो इंग्लिश मीडियम के भाई हैं हमारे देख सकते हैं। यहाँ पे पहला डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन वाला, दूसरा हो गया कॉपर सल्फेट वाला टेस्ट हो गया वो प्रोटीन के लिए, तीसरा फैट वाला टेस्ट हो गया जो पेपर से कर लिया जाता है जनरली। अब इन फूड न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, इनके रोल के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका रोल क्या होता है वो, और फैट का रोल क्या होता है, ये एनर्जी रिच फूड कहलाते हैं, ऊर्जा देने वाले इनको जो है हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, फैट का मेन क्या, ये सेकेंडरी रोल होता है। फैट हमारी बॉडी के नीचे कुशन का काम करता है, कुशन का काम करने का मतलब है हमारी बॉडी को सेव करता है एक्सटर्नल जो डिस्टरबेंसेस और एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं उससे। और भी कई रोल हैं इसके। इसके अलावा जो एनर्जी है वो तब देता है जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं बचता। कार्बोहाइड्रेट भी दो फॉर्म में रहता है, एक तो जनरल कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में। अभी जब ये स्टोर वाला भी खत्म हो जाएगा और नया कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है और ग्लाइकोजन भी स्टोर वाला भी खत्म हो गया, तो फैट क्या करता है, फैट जो है घुल घुल के जो बॉडी के नीचे होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर सेम सैंपल कार्बोहाइड्रेट का ले लें और सेम सैंपल फैट का ले लें सेम क्वांटिटी का, तो उसमें फैट जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, मगर फैट का ये सेकेंडरी रोल है। तो जो सबसे ज़्यादा अगर देखो जो सेकेंडरी रोल है फैट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो है का प्राइमरी रोल क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, और दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट मेनली जो अगर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो कार्बोहाइड्रेट का ही है। और दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन, ये ग्रोथ के लिए बहुत काम करता है, बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए काम करता है, टूट फूट जो होती है। तभी आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन शेक लेके जाते हैं सुबह जिम में पीते हैं, सुबह सुबह शाम प्रोटीन पीते हैं। प्रोटीन बॉडी में स्टोर भी नहीं होता है, प्रोटीन जो है मरम्मत का काम करता है, और जो एक्सेस में प्रोटीन होता है वो आपका यूरिया बन के मूत्र के थ्रू निकल जाता है। तो प्रोटीन जो है वो स्टोर नहीं होता कभी बॉडी में, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ग्रोथ के लिए और रिपेयर का काम करता है, मरम्मत का काम करता है बॉडी में। जो विटामिन होते हैं वो उनकी बहुत अल्प मात्रा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होती है फूड में, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं। तो इसका काम ये होता है, ये हमको डिजीज से बचाता है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उससे हमें बचा करके रखता है, और इसका भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स जो होते हैं उनके अलग अलग रोल हैं, कई प्रकार के मिनरल होते हैं, मैग्नीशियम अलग हो गया, कैल्शियम हो गया, अलग अलग प्रकार के मिनरल हैं, इनका अलग अलग अपना रोल है।
तो ये अगर पूरा देखा जाए तो ये ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए बॉडी फूड आइटम में होना बहुत ज़रूरी है और बॉडी को मिलना इनका बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, विटामिन जो होते हैं अलग प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के, और ये जो है अभी देख लीजिए, काम जो विटामिन ए का काम है वो त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखता है, स्किन और आइज को ये हेल्दी रखता है। विटामिन सी का जो काम है वो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। विटामिन डी है जो अभी हमने पहले भी बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये कैल्शियम को अवशोषित करता है और हड्डियों को और दांतों को ये कैल्शियम जो है इससे मिल जाता है। जब अवशोषित होगा बॉडी में वो मजबूत होती हैं, अगर इसकी कमी है तो हमारी हड्डी जो है वो वीक हो जाएंगी और दांत भी क्षय हो जाएगा, दांतों का भी क्षय हो जाएगा, दोनों डिजोल्व होने लगेंगे। तो विटामिन डी को कैल्शियम से कनेक्ट करके देखा जा सकता है, अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो कैल्शियम आप कितनी भी खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, तो विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। अभी वाटर का देख लेते हैं, वाटर का भी हमने बताया जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट मटेरियल जितना भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देता है यूरिन के फॉर्म में और पसीने के फॉर्म में। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, जैसे यूरिया वूरिया हो गया, उसको सबको बाहर निकाल देता है। अब देख लेते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें सारे पोषक तत्व एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ना ही कम मात्रा में और ना ही एक्सेस मात्रा में। ये नहीं कि कोई प्रेजेंट नहीं है और दूसरा बहुत एक्सेस में प्रेजेंट है। ये देख लीजिए, प्रोटीन जैसे है ही नहीं और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अलग अलग होता है ये सबके लिए। देख लीजिए, जो एक छोटा बच्चा है उसके लिए अलग होगा, एक एथलीट के लिए अलग होगा, एक नॉर्मल पर्सन के लिए अलग होगा, एक ओल्ड पर्सन के लिए अलग होगा। तो अलग अलग प्रकार का मतलब ये क्वांटिटी जो है कितना कितना न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए, लेकिन होने सारे चाहिए वो आपकी उस पर निर्भर करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है या किस प्रकार के पर्सन हैं, कि एक एथलीट है, एक नॉर्मल पर्सन है, एक कोई जुवेनाइल है या फिर आपका एक कोई ओल्ड मैन है। तो अभी अगर ज़्यादा समय तक अगर हम कोई फूड लेते हैं उसमें कोई किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो वो कमी हमको बीमारी की तरफ ले जा सकती है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी रहती है तो वो बीमारी की तरफ हम जा सकते हैं उससे। तो इसका एक संतुलित आहार का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, हमारे प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बॉडी की, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे प्रॉपर विकास के लिए। तो पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है भोजन में और एक संतुलित आहार होना चाहिए। अब यहाँ पे एक तरफ विटामिन डी गई विटामिन्स दी गई हैं और खनिज भी दिए गए हैं कुछ, और दूसरी तरफ उसकी जो कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसकी कमी से जो है दृष्टिहीनता हो जाती है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। और विटामिन बी वन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब भी आता रहता है, यानी कितनी बार पहले आ भी चुका है एग्जाम में, मैंने तो कई बार एग्जाम दिए हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है ये। तो ये है विटामिन बी वन की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। इसमें जो है मसल्स जो हैं पेशियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जो काम करते हैं उसमें ऊर्जा नहीं आती है, पूरा ऊर्जा की कमी महसूस होती है। विटामिन सी, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में, विटामिन सी से हो जाता है स्कर्वी। इसमें मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून खून निकलता है और जो घाव की हीलिंग होती है, जो घाव भरने का जो समय है वो अधिक लगता है घाव में, अगर कमी है आपके विटामिन सी की। विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स हो जाता है। इसमें जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, कैल्शियम खूब लेते हैं लेकिन कैल्शियम बॉडी में लग जाती नहीं क्योंकि विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगी, कितना भी लेते रहो वो सब निकल जाएगी एज ए वेस्ट। तो इसमें क्या है, अस्थियां मुलायम होकर गिरने लगती हैं, मुड़ जाती हैं और दांतों में भी दिक्कत होने लगती है। और कैल्शियम अगर डिफिशियंसी है कैल्शियम की तो आपको अस्थियां और दंत क्षय हो जाएगा क्योंकि इनका तो मेन कंपोनेंट ही कैल्शियम है। हमारा जो हड्डियां हैं और दांत हैं। और आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गोइटर,
और इसमें जो गर्दन फूल जाती है और मानसिक विकलांगता आ जाती है बच्चों में, बच्चों का सही से विकास नहीं होता हो पाता दिमागी। और अभी देख लेते हैं लोहा, इससे अरक्तता हो जाती है। अच्छा लोहा जो देखो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का जो कंपोनेंट होता है वो लोह जो है Fe होता है, मतलब जो है आयरन, लोहा जो होता है हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा ब्लड का एक कंपोनेंट होता है। तो अगर लोहे की कमी है हमारी बॉडी में या फूड आइटम में डिफिशियंसी रहती है तो हीमोग्लोबिन पे इसका असर पड़ेगा और हमको एनीमिया की तरफ ये ले जाएगा और कमजोरी होगी। अब देख लीजिए कुछ सवाल यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही बात है जी, बिल्कुल करते हैं। प्रोटीन वृद्धि में मदद करता है, जी हाँ प्रोटीन जो है वृद्धि में मदद करता है, बॉडी की मरम्मत करता है, जोड़ फोड़ मदद करता है, ग्रोथ का काम करता है। विटामिन शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जी हाँ विटामिन की कमी है तो आपको बीमारी हो जाएगी। विटामिन सी खासकर जो है बीमारियों से इम्यूनिटी प्रदान करता है, बचाने में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा D1, 2 and 3। अब ये देख लीजिए एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में, आप जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक तरफ देख सकते हैं। जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अभी ये वाटर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल द्वारा हो जाती है। अच्छा ये बताइए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या पहले से जल प्रेजेंट होता है? होता है। खीरा खाया आपने कभी? बिल्कुल खाया होगा। और ककड़ी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, अभी इनको जब काटें तो आपके हाथ बैठ हो जाते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो एक्चुअल में जल होता है, उसमें प्रेजेंट होता है पहले से। तो जरूरी नहीं है जो हम पानी पीते हैं उससे डायरेक्टली हमको जल मिलता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में जल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल द्वारा हो जाती है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। और जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर देखना है, अब देखिए पहला भी सही दूसरा भी सही, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, करेक्ट आंसर। अभी इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर, अप टू ए लिमिट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन अ बॉडी इज फुली फिल्ड बाई फूड आइटम्स, फुलफिल्ड बाई फूड आइटम्स, जी हाँ बिल्कुल सही है। वाटर हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जी हाँ बिल्कुल सही है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बोथ 1 and 2। अभी एक तरफ इसमें विटामिन दे रखे हैं, उस दूसरी तरफ जो डिफिशियंसी डिजीज है वो दे रखी है। अभी आपको इसको मैच करना है कि किस स्पेसिफिक विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है। अभी देखिए विटामिन ए बी सी डी वेरी वेरी रिकेट्स, अभी देख लीजिए ए से जो है हमारा ए की कमी से हो जाता है कमजोर दृष्टि, वीक आईसाइट, बी की कमी से हो जाता है बेरी वेरी, और इसका पहला वाला हो गया, सी की कमी से हो जाता है स्कर्बी, और डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3, वी का 1, सी का हो जाएगा 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्यू, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, अभी इसमें आपको जो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जो फूड हैं उसमें आपको देखना है कौन से जो है पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं फूड में, फूड जो दिए गए फूड में। तो देख लीजिए खनिज, आहारी रेशे, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन, तो इसमें बताइए कौन से आते हैं। तो अभी हमने पढ़े थे खनिज तो आते आते हैं, मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं एज न्यूट्रिएंट काम करते हैं, आहारी रेशे नहीं आते हैं, विटामिन भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। अब एक बात यहाँ देख लीजिए, आहारी रेशे आते तो नहीं है फूड न्यूट्रिएंट में, लेकिन भोजन में इनका कुछ मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो अपच भोजन है, जो इंडाइजेस्टिव फूड है, वो आंतों से ये बाहर निकालने में मदद करते हैं और आंतों को स्वस्थ और साफ रखते हैं, तो इसलिए इनका भोजन में होना बहुत ज़रूरी है।
अभी आंतें साफ रहेंगी तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो खाना अच्छे से पचेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को अच्छे से मिलेंगे। अच्छा, खाना खाने से कुछ नहीं होता, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, तो जो भोजन को पचाने से हमको जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो भोजन को पचाना बहुत ज़रूरी है, और भोजन को पचाने के लिए आंतों का अच्छा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आहारी रेशे जो है इनडाइजेस्टिव फूड जितना होता है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो खैर, पोषक तत्वों का भाग नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन भोजन में कुछ मात्रा में इनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो गया 1 एंड 3, तो डी वाला इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट। अभी बसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक बसा से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। हर प्रकार के पोषक तत्व रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, अभी बसा से भी देख लीजिए। भोजन में बसा की अधिकता मोटापे का कारण बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर फैट ज़्यादा होगा तो आपको फैट ज़्यादा मिलेगा और मोटे होंगे आप। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अभी ये क्या बात होगी, वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मोटापा भी बढ़ाता है। तो देखिए, वसा का मैंने बताया ये सेकेंडरी रोल है, प्राइमरी रोल उसका है कि बॉडी के नीचे वो एज ए कुशन काम करता है, एज स्टोर होता रहता है। और विशेष परिस्थितियों में जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं बचता, स्टोर कार्बोहाइड्रेट नहीं बचता, तो जो है वसा घुल के जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, और ज़्यादा मात्रा में बॉडी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा वसा की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा, ये नहीं, ये गलत है। वसा अगर, और एक वसा लेने और कार्बोहाइड्रेट लेने दोनों की समान मात्रा है तो वसा की मात्रा ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी, वो अलग बात है कि उसका सेकेंडरी रोल है, लेकिन जो है इसका सही उत्तर जो हो गया वो 1 एंड 2 हो गया। तो वसा जो है ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है अगर सेम क्वांटिटी में देखा जाए। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो 1 एंड 2 हो गया। देख लीजिए, अब ये इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट। एक्सेस ऑफ फैट इन फूड मे कॉज ओबेसिटी। फैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी। सेम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन डेट ऑफ फैट। तो इसका सही आंसर हो गया C1N2। तो दोस्तों, हमने आज ये क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 डिस्कस किया। बेसिक सा चैप्टर था और मैंने कोशिश की है कि अच्छे अच्छे जो है इम्पोर्टेंट उसमें से निकाल के आपको बताया, जो कि ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ें थी और बेसिक चीज़ों को हमने कवर किया। लेकिन आपने देखा होगा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए कि बेसिक सी चीज़ों से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी हम आगे और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और एडवांस फॉर्म में जाते रहेंगे, 12th तक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे संग जैसे जैसे वीडियोज़ आएँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कर दें। और थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड लक।